दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज देखते हैं अभी हमारे जो हमने रूफ गार्डनिंग में प्लांट्स लगाए थे उनकी ग्रोथ क्या हुई है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने ग्रो बैग वन के साथ जिसमें हमने मेथी लगाई थी। तो देखते हैं मेथी के साथ क्या बना। तो अगर ध्यान से देखें तो आप दोस्तों देख सकते हो कि वीक थ्री में आके मेथी के जो पौधे हैं वो एक अपनी प्रॉपर शेप ले चुके हैं। तो होपफुली विद इन वन और टू वीक ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो भी चारों तरफ एक यूनिफॉर्म डिस्पर्शन हुई है मेथी के पौधों की। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं हम इसकी। तो इसको मैं ज़्यादा पानी नहीं लगाता, थोड़ा थोड़ा पानी लगाता हूँ सुबह डेली उठ के। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा ग्रो बैग टू था जिसमें हमने गोभी लगाई थी। देखते हैं अभी गोभी के पौधे थोड़े से ग्रो हुए हैं कि नहीं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरी वीक वन और वीक टू की वीडियो देखो कैसे हमने रूफ गार्डनिंग की शुरुआत की थी। और सीड्स से हमने शुरुआत की थी जो अभी सीड्स हमारे पौधों का रूप ले चुके हैं। तो गोभी के प्लांट्स देखते हैं तो गोभी की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो हमने जो गोभी के सीड्स की बजाय हमने गोभी के डायरेक्ट छोटे छोटे पौधे बीजे थे। तो अभी ये पौधे ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है और बीच में एक दो पौधे हैं जो अभी ग्रो होना स्टार्टिंग में हैं। तो आप देख सकते हो कि जो गोभी के पौधे हैं ये सारे हरे हरे लग रहे हैं। तो इसमें से एक दो पौधे हैं जिसमें थोड़ा सा पीलापन भी है। तो आने वाले टाइम में इन पे और सारे पत्ते हैं और ग्रो होंगे। तो होपफुली एट द एंड ऑफ दिसंबर हमें गोभी के फूल इसमें देखने मिल सकते हैं। तो अभी अगले वीक में देखेंगे भी गोभी की ग्रोथ क्या हुई है। तो इसमें भी हम जो पानी डालते हैं वो पूरा गमला नहीं भरते, तो थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जो हमने ग्रो बैग थ्री की बात करें तो इसमें हमने अपनी मूली के सीड्स ग्रो किए थे। तो आप देख सकते हो भी मूली के जो पौधे हैं जो वीक टू में हमें दिखाई नहीं दे रहे थे तो वीक थ्री में आके ये पौधे हमें दिखाई देने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हो भी इसकी भी यूनिफॉर्म डिस्पर्शन हुई है चारों तरफ इस ग्रो बैग में। तो काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आगे चलते हैं और अपना ग्रो बैग फोर देखते हैं जिसमें हमने पालक और धनिया बीजा था। तो आप देख सकते हो ग्रो बैग फोर में हमने जो पालक और धनिया बीजा था ये हमने हाफ़ साइड पे हमने पालक और हाफ साइड में हमने धनिया बीजा था। तो आप देख सकते हो जिस साइड में हमने पालक बीजा था तो पालक की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है क्योंकि पालक की ग्रोथ का टाइम है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द धनिया। तो आप देख सकते हो कि पालक के जो पत्ते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम में एक या दो वीक में इसकी भी हार्वेस्टिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला जो हमने प्लांट ग्रो किया था वो है धनिया के सीड्स ग्रो किए थे। तो धनिया के सीड्स आप देख सकते हो भी धनिया के सीड्स की जो लास्ट वीक ग्रोथ जीरो थी बट इस वीक इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो बट एज़ कम्पेयर टू द पालक इसकी ग्रोथ काफ़ी कम है। हाँ, तो अभी हमने जो हमने वीक वन में जो हमने एफर्ट लगाया था उसका रिज़ल्ट अभी आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो होपफुली आने वाले टाइम में इससे हम सब्जियां वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि ये दिवाली का वीक है तो आज हमने दिवाली की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। तो हम अपने घर में लड़ियां लगाने लगे हैं। तो लड़ियों की शुरुआत करते हैं हम घर से ही। तो इस वीक थोड़ा सा हमारा वीक बिजी रहेगा क्योंकि आपको पता है दिवाली में रिश्तेदार आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, उनके पास गिफ्ट लेके जाना पड़ता है। तो होपफुली इस वीक भी मैं अपने जो प्लांट्स हैं इनका ध्यान रखूँगा। तो पहले हम दिवाली की तैयारियाँ शुरू करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले टाइम में हम अभी जो हमारा ग्रो बैग का रिज़ल्ट है जो काफ़ी अच्छा आ रहा है तो इन्हें देख के हम और भी ग्रो बैग लेके आएंगे और ग्रो बैग में हम और सब्जियाँ उगाने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली आप देख सकते हो मेरे पास जो टेरिस का एरिया है मैं सारे एरिए को भरना चाहता हूँ अपने ग्रो बैग के साथ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ग्रो बैग को लगाने का ना जो अपना इंटरेस्ट होता है, अभी मैंने इसकी जो शुरुआत की थी मैंने इसके बारे में एक या दो महीने पहले सोचा था। वो आप कहते हैं ना पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैं इसके बारे में सोचता ही सोचता गया और अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो अपना इनिशिएटिव लिया था उसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है
और मुझे इसके रिज़ल्ट आने शुरुआत हुए हैं। तो वही कहते हैं ना, अगर आप अपना गोल कोई स्पेसिफिक टारगेट करके रखते हो बट उस गोल को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत होती है। जब तक मैंने गोल को एग्जीक्यूट नहीं किया था तब तक मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, बट जैसे ही मैंने अपने गोल को एग्जीक्यूट किया तो विद इन 2 वीक मुझे रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है। तो मैं आपको आने वाले टाइम में प्लांट्स के रिलेटेड और भी वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने। तो दोस्तों, आपका कोई भी कमेंट है रिगार्डिंग द रूफ़ गार्डनिंग तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कर सकते हो। तो आपकी सजेशन को डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि आई एम न्यू टू दिस रूफ़ गार्डनिंग। तो मेरा पहले कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप लोगों को देख के ही यूट्यूब चैनल्स को देख के ही मैंने इस चीज़ की शुरुआत की है। एंड होपफुली मुझे भी आपके कमेंट्स से लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा और इस एक्सपीरियंस को मैं अपनी रूफ़ गार्डनिंग और रूफ़ फार्मिंग में इम्प्लीमेंट करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।